हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक फॉरेक्स प्रो। एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको जो एजुकेशन देने वाला हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई एंड फिबोनाची रेट्रेसमेंट, उनका क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट, उसका यूजेज कैसे है। तो जितने भी मेरे कंटेंट होते हैं वो प्योरली एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि एजुकेशन से आपकी स्किल्स आती है प्रैक्टिस करने के बाद, और वो लॉन्ग टर्म में आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ देती है। जैसे आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, ICT, अगर आप इन डेप्थ पूरा डिटेल्ड में अगर नहीं सीखते हो तो फिर क्या आप ऊपर ऊपर सीखते हो तो यूट्यूब पर सब कुछ ऐसे ही अवेलेबल, फिर आप फेलियर होते हो एंड ऑफ द डे। तो मैं इन डेप्थ की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि हमारा मेन जो चैनल है वो साइंटिफिक प्राइसेस एंड ट्रेडिंग स्कूल है। आप YouTube पे सर्च करिए, आउट ऑफ 650 वीडियोस मैंने ऐसे डाल के रखे हैं जो लाखों का जो आप कोर्स करते हो वो उससे भी ज्यादा आपको फ्री में वो कंटेंट अवेलेबल है। और लाइव में अगर आपको सीखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम डिमांड एंड सप्लाई के साथ कैसे कंबाइंड करके यूज करें, उसका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ओके, एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज, फिबोनाची को हम जिनको बिल्कुल ही नहीं आता उसको बेसिक तरीके से यूज कैसे करें। अब फिबोनाची के अंदर बहुत सारे लेवल्स है, जैसे ये फिबोनाची आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स आते हैं। अभी मैंने ये कस्टमाइज करके रखा हुआ है, जब मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, रिसेट सेटिंग कर देंगे, अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे तो बहुत सारे लेवल्स आ गए। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट रहती है कि आपको कौन से लेवल पे करना है, कौन से लेवल पे नहीं करना। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग टू डे ट्रेडिंग, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये डे ट्रेडिंग में आपको टारगेट लंबे बुक करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपने जितनी भी क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक किया, तो बाकी आपका कितना बड़ा टारगेट आएगा वो आपको पहले से एग्जैक्टली पता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप लॉन्ग कर पाएंगे इजिली वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं आपको ये सब चीजें पूरा डे ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली जब आप देखते हैं तो आप प्राइस की एक डेस्टिनेशन देखते हैं कि प्राइस आपका जा किधर रहा होता है। अब आपको दो टाइम फ्रेम बताता हूँ, पीछे का टाइम फ्रेम आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाइए डेली का आपका 240 मिनट्स 4 आवर का, ठीक है। आपको बेसिक तरीके से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है। मान लीजिए आपका क्या है, Nifty 50 है, कोई भी स्क्रिप्ट हो उससे कोई, तो आपको सबसे पहले 240 मिनट्स क्या होता है, 4 आवर, 4 आवर का आपको क्या देखना है कि प्राइस आपका चल कहां से रहा है। 4 आवर का जब प्राइस चलेगा तो आपको पास का कहां से पता लगेगा, डेली से। तो डेली और 4 आवर देख लीजिए, डेली को आपको एक आपका स्ट्रॉन्ग लेवल पता चल जाएगा, एंड 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको डेस्टिनेशन पता चल जाएगी कि 4 आवर के जोन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के असेंडिंग डिसेंडिंग स्टैटिक डायनेमिक मत लगाइए, मैं प्योर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम में आपने क्या किया, तो अगर प्राइस यहाँ पे रुका है तो कुछ तो होगा यहाँ पे, ये जो लेवल है एक्सेप्शनल मार्किंग का। बाद में अगर ये नहीं है, ये तो पहले था, बट बाद में एक सप्लाई तो क्रिएट हुई है ना डेली के अंदर, यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कहने का मतलब, जो आपको तो पता है, जिसको नहीं पता वो डिमांड एंड सप्लाई वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड करें तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो आपको ये वाली बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपका इस लेवल से प्राइस गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है ना, और नीचे की साइड कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्राइस आपका जब जा रहा होता है, ठीक है, तो बीच में एक नेगेटिव वेव आ गई, ठीक, और वापस उस नेगेटिव वेव को तोड़ दिया, तो ये जो जोन है किसी काम का नहीं, आप कभी भी यहाँ से लेवल मत बनाइए, यही बात बोली थी मैंने। यस सर, यस सर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई लेवल ही नहीं है, लेवल ये है। सबसे पहले तो आप लेवल को अच्छे से समझिए, देन हम 4 आवर में जाएंगे। पहले हम लेवल मार्किंग कर लेते, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तभी यूज होगा जब आप लेवल मार्किंग करोगे, वहां पे ड्यूल कंफर्मेशन होगा, हो जाएगा ट्रेड का लॉन्ग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में लंबा ट्रेड ले जाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन हम किस में जाएंगे, 240 मिनट्स में, 4 आवर में। ओके, 240 मिनट्स में चलेंगे। 240 मिनट्स में जाने के बाद आप देखिए, ये जोन के तो कोई जोन ही नहीं है ना, यहां से क्या प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, अगर फ्रेश बाइंग आएगी तो जा सकता, नहीं तो नहीं जाएगा। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर कोई मतलब ही नहीं है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, बाइंग आ रही है, तो वो फेक बाइंग आ रही है। जैसे निफ्टी में आप मॉर्निंग के अंदर देखेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन हुई थी, देखिए क्या थी, ये आज की बात है, अप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक लो लगाया और बाद में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नहीं ये नहीं है, ये वाली बात, ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के बाद देखिए आप यहाँ से सेलिंग आई है इसमें, ठीक है, तो ये जो बाइंग है ये फेक है, बिना किसी लेवल का है, ठीक है, 15 मिनट का जोन इतना कोई बड़ा जोन नहीं होता हायर टाइम फ्रेम के बिना, कहने का मतलब 4 आवर के जोन को रेक किए बिना, इसलिए तो प्राइस एक तरीके से देख रहे हो ना, कहीं जाने को तैयार, देख रहे हो ना कि ऊपर चला गया, इस 15 मिनट के जोन से ही गिर गया, क्यों गिर गया, बिकॉज ऑफ प्राइस नेगेटिव है,
निफ्टी बैंक निफ्टी इसलिए सेल हो रहा है। अब चलिए ठीक है, ये तो लेवल मार्किंग की बात होगी। अब इसका फिबोनाची का क्या यूज है? डिमांड से तो बिल्कुल यूज है। अब ध्यान से समझिए, फिबोनाची जो टूल है ठीक है, उस वो है तो एक तरीके, एक बार मैं ये डिलीट कर दूं सारा चीज में फिबोनाची सीक्वेंस होता है। तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे लेंगे फिबोनाची को? स्टॉक मार्केट का एज ए स्केल लेंगे। मान लीजिए प्राइस क्या गया, नीचे से ऊपर गया ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होगा, इसको क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। या फिर दूसरा केसेस में क्या होगा, प्राइस ऊपर से, दो ही केसेस होंगे, लेफ्ट राइट तो मार्केट चलता नहीं है, जैसे हम कभी कभी लेफ्ट राइट चल जाते हैं, मार्केट तो सीधा या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है या कंसोलिडेट करता है, लेफ्ट राइट मार्केट नहीं चलता है, चलता तो बहुत दिक्कत होती है, चलता नहीं है, ऐसे है ना ठीक है। तो इस पर फिबोनाची को, क्योंकि हम तो रिट्रेसमेंट देख रहे हैं और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल ट्रैप लेवल है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ ठीक है। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लगाएंगे, अगर पॉजिटिव वेव है तो बॉटम से कैसे पकड़ेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ, एंड अगर नेगेटिव वेव है तो टॉप से बॉटम की तरफ, बिकॉज हमें रिट्रेसमेंट देखना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग दो लेवल जो आपके जो फिबोनाची के दो लेवल जब मैच करेंगे ना, तो वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप होगा और प्रीवियस वेव के जितना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होगा, मीन्स उस टारगेट को हम लॉन्ग कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट बुक करके बाकी क्वांटिटी को हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप बेसिक चीजें समझिए फिबोनाची की, कहने का मतलब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा तो 23% से रिट्रेसमेंट लेगा, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो ऊपर जाता है, तो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 38 वाला भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट 23 जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 50 वाला क्या होता है, वोलेटाइल होता है, कहने का मतलब अच्छी अच्छी वेव आती है उसके बाद, अगर आपका कहने का मतलब अगर जिस लेवल पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस बढ़ा और यहाँ पे 15 मिनट का आपका कोई डिमांड आ रहा है और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइस गया, ये मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको, देन प्रीवियस वेव में जितना बड़ा मूव पेंडिंग होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ बहुत ही मीनिंगफुल है ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ जब आप कंबाइंड करेंगे तो मीनिंगफुल है, इतना ही रहने दो ठीक है। आपको जीरो चाहिए बिकॉज ऑफ ड्रॉ करने के लिए चाहिए, 23% नहीं चाहिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो चीजों के लिए कि आपको चाहिए क्या, कि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और उस लेवल पे ट्रेड करो, उस लेवल से आपको क्वालिटी ट्रेड सेटअप मिले, बड़ा ट्रेड मिले, हटा दीजिए नहीं चाहिए, 38 भी नहीं चाहिए, 50% चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, 60 चाहिए ठीक है, दो ही लेवल चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ये ओवर स्ट्रेच भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हम फिबोनाची से कुछ और यूज करने वाले नहीं है, क्लियर, सिंप्लीफाइड होगा आपका फिबोनाची। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हो, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, मैं लिखने देता हूँ आपको देखना क्या होता है, 4 आवर में प्राइस की डेस्टिनेशन, कि प्राइस एग्जैक्टली जाना किधर जाता है, 4 आवर के अंदर आपको ये पता करना है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये आपको सिखा चुका हूं ना मैं मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की वेव क्या है, कहने का मतलब 4 आवर जो है, 4 आवर या फिर उससे पीछे का डेली जो है, वो आपका सप्लाई से चल रहा है या डिमांड से चल रहा है, क्लियर है, दोनों में से एक ही चलेगा, दोनों एक साथ फॉलो हो नहीं सकते, या सप्लाई से चल रहा है या डिमांड से चल रहा है, ओके, अगर डिमांड से चल रहा है तो 15 मिनट्स के एवरी डिमांड फॉलो होंगे, वहां पे अगर आप सप्लाई कराओगे, रेट कराओगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके सारे ही ऐसे लगेंगे, क्योंकि सप्लाई कभी डिमांड नहीं हो सकता, डिमांड कभी सप्लाई नहीं हो सकता, जो आधी दूरी बात करते हैं कि YouTube पे इतने सारे वीडियोस डले हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, ये बेकार का नॉलेज है, ये आधी दूरी चीज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई पैसा नहीं बना रहा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं होते, वो बने ही टूटने के लिए, क्यों, अगर आप, क्योंकि दोनों में से वन टाइम में एक ही काम करेगा, अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, कहने का मतलब प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहे हैं ठीक है, तो आप जितने भी ये रेजिस्टेंस बना रहे हैं सारे टूटेंगे, जितने भी आपके डिमांड है सारे रिस्पेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर फिबोनाची का क्या यूज है, फिबोनाची का क्या यूज है एंड फिबोनाची कैसे हेल्प करेगा, फिबोनाची हमें ये हेल्प करेगा कि अगर आपका किसी वेव के अंदर आपने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ, ध्यान से समझिए, डिसाइड करके कर रखा कि एवरी 15 मिनट्स के मुझे डिमांड रेट कराने, क्या रेट कराने, डिमांड, और प्राइस की सपोज करते हैं डेस्टिनेशन ये है 4 आवर के अंदर या फिर 2 आवर्स के अंदर, क्लियर है, या फिर सपोज करते हैं कि हमें किसी स्क्रिप्ट में सप्लाई रिएक्ट कराना है और डेस्टिनेशन डिमांड की तरफ है, प्राइस जा रहा सप्लाई की तरफ है और डेस्टिनेशन कहां पे है, डिमांड की तरफ। अब फिबोनाची यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा टारगेट बुकिंग में, एंट्री एंड टारगेट बुकिंग में, बिकॉज ऑफ कि जब भी आपका कोई वेव अगर डिमांड फॉलो कर रहा है, मतलब प्राइस 4 आवर के अंदर डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रहा है एंड 15 मिनट्स का एवरी डिमांड फॉलो कर रहा है,
तो आप एवरी वेव के एवरी पॉजिटिव वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे, एवरी वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे, देन 50 और 61%, ठीक है, इस लेवल के बीचों बीच, कहने का मतलब इस लेवल के बीचों बीच या फिर इस लेवल के नीचे प्राइस चला जाए कोई इश्यू नहीं है, वहां से रिजेक्शन देना चाहिए। और यहाँ पे ड्यूल कंफर्मेशन हो, क्योंकि आप फिबोनाची से तो बाइक नहीं करने वाले हैं, फिबोनाची से करना भी नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप आपके यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट करा और 15 मिनट्स का कोई यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, डिमांड कंफर्म है, ओके डिमांड आना चाहिए, देन 50 और 61% का अनफेयर लो बने, अनफेयर लो मीन्स प्राइस नीचे चली जाए, वीक बने, देन प्राइस ऊपर चला जाए, इट इज अनफेयर लो। सेम अगर नेगेटिव मार्केट होता है, प्राइस 50 और 61%, जैसे इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो 50 और 61% के बीच में कंसोलिडेट करा कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे कोई सप्लाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे प्राइस ऊपर भी निकल जाता ना, या इससे नीचे भी निकल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस ऊपर नीचे निकलता रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटते रहते हैं, और उसके बाद बनती हुई कैंडल ग्रीन दिखती है या बनती हुई कैंडल रेड दिखती है, बट एंड ऑफ द डे कहने का मतलब कैंडल क्लोजिंग के बाद वो रिजेक्शन दे देती है, ठीक है, ओनली क्या रह जाती है, वीक। कहने का मतलब इन लेवल से क्लोजिंग के बाद अगर प्राइस वीक बाहर रह रही है, इन लेवल पे क्लोजिंग के बाद अगर प्राइस की वीक नीचे की साइड रह रही है, तो इट इज अनफेयर हाई एंड अनफेयर लो, इट इज ट्रैप लेवल। कहने का मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ट्रेडर को भी ट्रैप करता है, चाहे आपको कितना भी एडवांस आता हो, ठीक है, बट आपके पास मार्केट को रीड करने की स्किल्स नहीं है, आईज आपकी ट्रेन नहीं है, ठीक है, तो आप पत्थर की लकीर की तरह कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, जैसे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर सिखा दिया, एंट्री सिखा दी, एंड ऑफ द डे अपना दिमाग भी तो लगाना है, मार्केट तो सारा इट इज कम्प्लीटली आर्ट, कम्प्लीटली स्किल्स का गेम है, ये आर्ट है, जो आर्ट की तरह लेता है वो सक्सेसफुल होता है, तो इसको पत्थर की तरह लकीर की तरह नहीं लेना, इसको आर्ट की तरह लेना, इसको एजुकेशन की तरह लेना। तो जो प्राइस का जो क्लोजिंग के बाद जो 61% मैक्सिमम लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आसपास आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लेवल से नीचे वीक निकल जाए या फिर ऊपर वीक निकल जाए, ठीक है, इट इज अनफेयर हाई, इट इज अनफेयर लो, क्लियर है, ये आपका अनफेयर हाई लो। अब जब आपका डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, ट्रेंड आपको पता है ओवरऑल नेगेटिव या पॉजिटिव, दो ही ट्रेंड में काम करेगा, इसे साइडवेज मार्केट में नहीं काम करेगा, क्लियर समझ लीजिए, ये आपका एक साइडवेज मार्केट 4 आवर का हो सकता है, 15 मिनट का साइडवेज नहीं हो सकता, 15 मिनट का तो वेव चाहिए उसके लिए, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। देन हमने एंट्री कर ली, ठीक है, एंट्री आती है फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग, अब क्या होता है, एंट्री तो कर ली लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव आते बाहर हो जाते हैं मार्केट से, हो जाते ना, अगर 4 आवर के अंदर प्राइस में जाने का गैप है, 4 आवर में नीचे की साइड जाने का गैप है, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद 1:2, 1:3 का इजिली टारगेट आ जाता है, आप बुक करिए 1:3 पे, आप बुक करिए 1:3 तो नॉर्मली हर ट्रेड में ही आ रहा है, जो मैं आपको जिस तरीके से फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग स्टॉप लॉस छोटा करके बता रहा हूँ, 1:3 आ रहा है, 1:3 पे बुक करिए, 1:3 बुक करने के बाद आपको अब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हमेशा चेक करिए कि प्रीवियस जो वेव है क्या है, प्रीवियस जो वेव है अगर ऊपर की साइड 4 आवर में सप्लाई दूर है, तो ऑलमोस्ट प्रीवियस वेव का 100 या फिर उससे 120% या उससे ज्यादा मूव पेंडिंग है, कहने का मतलब उतना मूव आएगा, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, कि यहां पे एंट्री लेने के बाद फिबोनाची के साथ ड्यूल कंफर्मेशन होगी कि आपका 50 और 61 का अनफेयर लो या अनफेयर हाई अगर बना है वहां पे, तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है, ये अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपने एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद जो आपका टारगेट होगा प्रीवियस वेव का एटलीस्ट 120% आएगा, 120-130% कि पिछली जितनी बड़ी आई उसका 130, कहने का मतलब यहां से प्राइस अगर 10 रुपए बढ़ा है, ठीक है, तो यहां से जब प्राइस मूव करेगा तो इस लेवल से कम 12-13 रुपए और बढ़ेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जब भी ये क्वालिटी ट्रेड सेटअप मिले, आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के करना है, अगर गैप ऊपर की साइड नीचे जाए लॉन्ग इनिशिएट करना, कहने का मतलब इंट्राडे के अंदर भी बड़ा टारगेट बुक करना, जब भी ऐसा, और हर तीसरे दिन ये बनता ही रहता है। डे ट्रेडिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है, डे ट्रेडिंग में आपको 15 मिनट की वेव के ऊपर अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, 15 मिनट का वेव, एंड आपको बाई एंड सेल करना, वो 5 मिनट में फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग अकॉर्डिंग टू एंट्री के अकॉर्डिंग 15 मिनट में अप्लाई करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी के अंदर, तो आपको ये किस पे अप्लाई करना है, 125 स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसके ऊपर अप्लाई करना है,
फोर आवर्स के. अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये डेली पे. आप वीकली पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है वीकली पे. उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, आपके टारगेट उतने बड़े हो जाएंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डेली पे ही अप्लाई. स्विंग्स कर रहे हो तो फोर आवर पे अप्लाई कर लो. डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस पे अप्लाई कर लो, 15 मिनट पे. और ये चीज आपको टारगेट बुकिंग में ना बहुत हेल्प करेगी. कहने का मतलब आपको जो छोटे छोटे बीच में निकल जा रहे हो ना, टारगेट ले रहे हो बीच में निकल जा रहे हो, तो वो सब इश्यूज नहीं रहेंगे आपके, वो सब इश्यूज आपके नहीं रहेंगे. ठीक है. सेम अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं आपको निफ्टी 50 में, तो आप देख सकते हैं सब जगह दिखता है. देखिए प्राइस यहां से गिरा, गिरने के बाद ये एक सप्लाई था. यस. ठीक है. तो इस हिसाब से प्राइस का, और ये कॉन्फिडेंस गिरने वाला कहां से आएगा, क्योंकि यहां पे डेली का 4 आवर का सप्लाई था, एक जोन था ना यहाँ पे डेली या 4 आवर का, वो तो हमने देखा है ना पहले. yes, तो मैं नहीं करा था. ठीक है. तो इतना बड़ा मूव आया ना. यस सर. ठीक है. इसने रिट्रेसमेंट लिया तो इस लेवल से इस लेवल तक इतना बड़ा मूव आना चाहिए ना. यस सर. गैप डाउन ओपनिंग में आ गया. ये गैप डाउन गैप ओपनिंग के अंदर भी कवर्ड होगा. प्राइस के अंदर अगर आपको ढंग से आप देखते हो, अच्छे से सब चीजें चेक करते हो, आपका सप्लाई था डेली के सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो आप लेके जा सकते हैं पोजिशन ट्रेडिंग, मतलब पोजिशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब लंबे टारगेट के लिए ओनली 50% and 61% के. अगर ये 61% से ऊपर जाकर के वीक बनाता तो मेरे लिए और ज्यादा कंफर्ट था, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है. क्योंकि लेकिन सिर्फ फिबोनाची मत लगे, उससे पहले आप पता कर लीजिए 15 मिनट्स का डिमांड रिएक्ट कराना है या सप्लाई रिएक्ट कराना है, देन प्राइस की 4 आवर 2 आवर्स के अंदर 240 मिनट एंड 120. हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है. आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है. 600 में से 50 वीडियो ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड, मीन्स आपका बिगनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है. मीन्स अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट के आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा. चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें, मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ. मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे. स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है. चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं. 25 मिनट में एग्जैक्टली डेस्टिनेशन क्या प्राइस की, अगर डेस्टिनेशन नहीं पता ठीक है तो आप गलत अप्लाई करोगे. कहने का मतलब किसी भी स्क्रिप्ट में देख लो यार, रोज ही मिलता है, बैंक में दिखा था. देन उसके बाद फिबोनाची का यूजेज है कि अगर आप डिमांड रिएक्ट करा रहे हो उस जोन के अंदर फिबोनाची अप्लाई करिए. बिल्कुल 50 और 61% का एक इंपॉर्टेंट ऐसा कंबाइंड एक गोल्डन रेशियो है, ऐसा लेवल है, वहां पे अगर डिमांड रिएक्ट करता तो आपका प्राइस बहुत ही अच्छा मूव देगा, प्रीवियस वेव है उससे बड़ा मूव देगा. अगर ऊपर की साइड जगह बची हुई है, रूम है प्राइस को जाने का. अगर आपने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए डेली का सप्लाई यहाँ पे होता तो बिल्कुल भी आपका टारगेट नहीं आता. अगर आप पूरी चीज फॉलो करोगे तो आपकी चीजें सही जाएंगी, आधी अधूरी करोगे तो आधा अधूरा ही काम होगा. समझ में आ गया. इतनी थी आज की क्लास.